हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वन डे लॉ रिविजन मॉड्यूल वन इंट्रोडक्शन टू जूर लेट्स क्विकली गो थ्रू द सिनॉपसिस फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जूर होता क्या है उसका मीनिंग अलग अलग ऑथर्स के डेफिनेशंस नेचर एंड यूटिलिटी कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है हम उसका यूज़ क्यों करते हैं व्हाट द यूटिलिटी फिर मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक पर्पजेज एंड क्लासीफिकेशन ऑफ लॉ अलग अलग टाइप्स रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी कि मोरालिटी क्या है और लॉ क्या है और उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जूरसप्रूडेंस कि ज्यूरसप्रूडेंस है क्या उसका इंट्रोडक्शन देर इज़ नो यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ जूरसप्रूडेंस कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है हर इंसान के अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं अलग अलग नोशंस हैं तो उसके बेसिस पे उन्होंने अलग अलग अपने हिसाब से डेफिनेशन उसके मीनिंग बताए हैं ऑथर टॉक्स अबाउट पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ़ सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ लॉ प्रलिंग एट दैट टाइम इन द सोसाइटी कि हमारी सोसाइटी के पोलिटिकल कंडीशन क्या है उस टाइम पे सोसाइटी के कंडीशंस क्या है उसके बेसिस पे हमारे लॉ बनेंगे एंड लॉ के जो टर्म्स है उसका स्टडी इज ड्यूर स्टूडेंट्स इट इज़ बिलीव दैट रोमन्स वेर दू फर्स्ट हुड द स्टडी वट इज लॉ क्या बोला है कि रोमन सबसे पहले थे मतलब देवर फर्स्ट जिन्होंने लॉ का स्टडी स्टार्ट किया था जूरिस प्रूडेंस एक लैटिन वर्ड है जूरस प्रूडेंशिया मतलब नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल इन लॉ कि तुमको लॉ का नॉलेज आए उसमें तुम्हारा स्किल बैठे इसलिए जूरिस प्रूडेंस ज्यूरस प्रूडेंस को अगर हम ब्रेक करेंगे जूरस प्रूडेंशिया को विच इज़ ए लैटिन वर्ड तो जूरिस मतलब लॉ एंड प्रूडेंशिया मतलब नॉलेज साइंस स्किल मतलब लॉ का नॉलेज लॉ में स्किल्स लॉ का साइंस समझना उसका कोर समझना दैट इज़ ज्यूरिस प्रूडेंशिया ज्यूरिस प्रूडेंस सिग्निफाइज नॉलेज या साइंस ऑफ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन अब तुम्हारे पास नॉलेज तो है तुम उसको समझ रहे हो लॉजिकली बट अब उसका एप्लीकेशन इट कवर्स द होल बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स की लीगल प्रिंसिपल्स के सारे बॉडी जितने भी वर्ल्ड में है उसको समझने के लिए लॉ को समझने के लिए जो टर्म्स है जो बेस है उसका दैट इज़ ज्यूरसप्रूडेंस अब इसमें क्या क्या लेंगे हम सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी की कंडीशंस पे ही लॉ बनता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही लॉ बदलता है फिर है मीनिंग ऑफ जूर हमने देखा मीनिंग है नॉलेज ऑफ लॉ एग्जाम में ये टर्म तुमको लिख के ही आना है कि जूर का मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ बट इन द लिमिटेड सेंस इवॉल्यूएशन जनरल प्रिंसिपल्स अपॉन विच एक्चुअल रूल्स आर बेस्ड फिर उसके बाद लिखना कि सोसाइटी के कंडीशंस पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पॉलिटिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा लॉ क्या रहेगा इट इज मेनली कंसर्न विद रूल्स ऑफ एक्सटर्नल कंडक्ट विच पीपल आर कंप्लाई टू ओबे की जो एक्सटर्नल कंडक्ट है हमारे उसके कुछ रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने सोसाइटी ने जो पीपल को ओबे करने पड़ते फॉलो करने पड़ते तो ज्यूरोस्प्रूडेंस क्या करता है कि उस लॉ को समझने में उसका नॉलेज लेने में उस स्किल को समझने के लिए ज्यूर स्प्रूडेंस हम पढ़ते हैं बट द टर्म लॉ वी ऑलवेज यूज इन द एब्स्ट्रैक्ट सेंस तो लॉ को समझने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ ज्यूर स्प्रूडेंस फॉर एग्ज़ाम्पल अब लॉ की अलग अलग ब्रांचेस हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट है क्राइम है ट्रस्ट है प्रॉपर्टी है कंपनी फिर लेबर में अलग अलग लॉज देखते हैं हम लोग तो हर लॉ को अलग से डिटेल में पढ़ने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स है बट इसके जो की वर्ड्स है जो बेस है जो जनरल प्रिंसिपल्स है लॉ के वो समझने के लिए हम लोग ज्यूर पढ़ते हैं इसलिए हमने बोला नॉलेज ऑफ लॉ कि इसका सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए हम लोग जूर पढ़ते हैं अब डेफिनेशन ऑफ जूर स्प्रूडेंस यहाँ बहुत सारे ऑथर्स ने अपना डेफिनेशन दिया है कि जूरिस प्रूडेंट्स होता क्या है तो ऑस्टिन सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि जूरिस स्प्रूडेंस एक फ़िलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है कि तुमको लॉ को समझने को लॉ की जो फिलासॉफी है उसको समझने को हम जूरिस प्रूडेंट्स बोलेंगे ही ओपन्स दैट दी अप्रोप्रियट सब्जेक्ट टू जूर स्प्रूडेंट्स इज़ अ पॉजिटिव लॉ मतलब लॉ की स्टडी इज़ जूर फिर होलैंड होलैंड बोलते हैं कि जूर इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कि लॉ का जो साइंस है उसको समझने को हम जूरस्पूडेंट्स बोलेंगे अकॉर्डिंग टू हेम क्या बोलते हैं वो जूर शुड ओनली कंसर्न इट सेल्फ विद द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसेप्ट अंडरलाइंग इन एनी नेचुरल सिस्टम ऑफ लॉ कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है लॉ के जो भी लॉ का नेचुरल सिस्टम है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को समझने को हम ज्यूरिस प्रूडेंस बोलते हैं सालमन ने बोला कि जूरिस प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ सालमन का बोलना है कि एक साइंस है जिसको हम समझ रहे इज अ साइंस जहाँ हम सिविल लॉ के फर्स्ट प्रिंसिपल्स को समझ रहे हैं मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स को हम समझ रहे हैं एलिन क्या बोलते हैं जूरस प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस टू तो ऑल एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ उसके बाद मिस्टर ग्रे ग्रे का बोलना है कि ज्यूर स्प्रूडेंस इज़ अ साइंस ऑफ लॉ अगेन द सेम थिंग स्टेटमेंट एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दोज रूल्स कि जो रूल्स कोर्ट फॉलो करता है जो प्रिंसिपल्स है उस रूल्स में उसके सिस्टमेटिक स्टडी को हम लॉ बोलेंगे मतलब लॉ के स्टडी को जो रूल्स कोर्ट डिफाइन करता है जो प्रिंसिपल्स होते हैं दैट इज़ लॉ और उसकी स्टडी को हम ज्यूरसप्रूडेंस बोलते हैं फिर सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ़ द स्टडी ऑफ जूर क्यों ज्यूर उसका क्या इम्पोर्टेंस है जब तक किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं समझता है उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता इसलिए क्यों ज्यूर पढ़ना है इस सब्जेक्ट के पहले तो इसका खुद का अपना इंटरेंसिक इंटरेस्ट है उसकी खुद की अपनी वैल्यू है क्यों क्यों वैल्यू है बिकॉज सब्जेक्ट इज ऑफ सीरियस स्कॉलरशिप एंड रिसर्च जो जूरसपूडेंट्स सब्जेक्ट है बहुत रिसर्च करके बना है। रिसर्चर्स इन जूरसप्रूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ये किस तरीके से डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कि इन्होंने हमको बेसिक टर्म्स का मीनिंग दिया है वो टर्म समझ के हम लॉ पढ़ पाएंगे एंड देन जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ है उसको हम मैनेज कर पाएंगे इट विल बी मोर मैनेजेबल एंड मोर रैशनल मतलब लॉ को समझने के लिए बेसिक टर्म समझना ज़रूरी है एंड बेसिक टर्म समझने के लिए हमको जू हेल्प करता है मतलब इसका अपना एक इंटरेस्ट है अपनी एक वैल्यू है इसके वजह से हम लॉ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझ के मैनेज कर सकते हैं एंड मोर रैशनली अगर हम उसको समझेंगे तो दैट विल अस इन इम्प्रूविंग द प्रैक्टिस फिर इसकी एजुकेशनल वैल्यू भी है लॉजिकल एनालिसिस में हेल्प करता है किसका लॉजिकल एनालिसिस लीगल कंसेप्ट का इट शार्पन्स द लॉजिकल टेक्निक्स ऑफ द लॉयर अगर हम लॉजिकली लॉ को समझेंगे तो हमको उसको रिटेन करने में और प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प होगी तो हम प्रॉपरली प्रैक्टिस करते टाइम पे उसको लॉजिकली यूज कर पाएंगे इट हेल्प्स इट कॉम्बैट द लॉयर्स ऑक्यूपेशनल व्यू ऑफ फॉर्मोलाइजम फॉर्मलिज्म विच लीड्स टू एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑन लीगल रूल्स फॉर दर ओन सेक अब क्या बोला है स्टडी ऑफ जूर स्टूडेंट्स हेल्प्स टू पुट लॉ इन प्रॉपर कॉन्टेक्सट कि लॉ को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में रखने में जूर स्टूडेंट्स हमको हेल्प करता है बट हाउ बाय कंसिडरिंग द नीड ऑफ सोसाइटी एज ए सडियो पहले की जो सोसाइटी का नीड है वो हमें समझने के लिए पहले से ही लॉ पढ़ना पड़ता है लॉ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी तो उसके लिए हम जूर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे बाय टेकिंग नोट ऑफ द एडवांसेस इन रिलेटेड एंड रेलेवेंट डिसिप्लिन अब क्या बोला है जूर स्टूडेंट्स कैन टीच द पीपल टू लुक इफ नॉट फॉरवर्ड एटलीस्ट साइडवेज जूर स्टूडेंट्स से भले ही हम सामने नहीं देखे बट हम साइडवेज देखना सीखेंगे एंड अराउंड दम और क्या रियलाइज़ करेंगे कि जो भी न्यू लीगल प्रॉब्लम है उसका कंसिड्रेशन ऑफ प्रेजेंट सोशल नीड एंड नॉट इन द विजडम ऑफ पास्ट की जो भी प्रॉब्लम है उसका तुमको आंसर प्रेजेंट सोशल नीड में मिलेंगे नॉट इन द पास्ट तो भले ही तुम आगे नहीं देख रहे हो साइडवेज देखो प्रेजेंट में देखो एंड यू विल गेट द आंसर नॉट इन द पास्ट बट इन द प्रेजेंट जूरियसपूडेंस इज द आई ऑफ लॉ ग्रामर ऑफ लॉ क्यों बोला ऐसे क्योंकि फंडामेंटल कंसेप्ट लॉ के समझने के लिए हमको जूर स्प्रूडेंस पढ़ना पड़ता है बाय अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉ उसके कंसेप्ट डिस्टिंगशन लॉयर को एक्चुअली समझेगा कि लॉ होता क्या है इट हेल्प्स इन नोइंग द लैंग्वेज लॉ का लैंग्वेज समझने में उसका ग्रामर समझने में कि लॉ पढ़ते कैसे है उसके अजम्शंस उसका ट्रीटमेंट ये सब समझने के लिए जूर स्प्रूडेंट्स का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है सम लॉजिकल ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर अ लॉयर एक लॉजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है लॉयर को ताकि वो लॉ को ठीक से इंटरप्रेट कर सके ठीक से पढ़ सके ठीक से उसका मीनिंग समझ सके तो वहाँ जूर का स्टडी हमको हेल्प करता है इट ट्रेंस द क्रिटिकल फैकल्टीज ऑफ़ द माइंड ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के माइंड के साथ वो जो क्रिटिकल फैकल्टीज है जो चीज़ें स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है जहाँ चैलेंज है वहाँ वो लीगल टर्मिनोलॉजी एक्सप्रेशन को समझने में जुड़े स्टूडेंट्स हेल्प करता है इट ऑल्सो हेल्प्स लॉयर इन प्रैक्टिस कि लॉयर जब प्रैक्टिस करता है तो उसको न्यू न्यू प्रॉब्लम्स आएंगी एवरीडे और हर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उसको अलग अलग अल्टरनेटिव लीगल चैनल्स देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम को डील कर सकता है ही विल हैव टू रेफर अल्टरनेटिव लीगल चैलें अब वो चैनल्स को पढ़ने के लिए इंटरप्रिट करने के लिए लॉयर को काम करना पड़ता है उसको लॉ को ठीक से समझना पड़ता है तो लॉ को ठीक से समझने के लिए उसको नॉलेज ऑफ़ ज्यूर होना बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज ऑफ जूर उसके माइंड को ऐसे ट्रेन करेगा कि वो अल्टरनेटिव लीगल चैनल्स को समझेगा उसका माइंड वैसे प्रोसेस करेगा एंड देन उस तरीके से वो कंक्लूजन निकाल पाएगा उसको सोल्यूशन मिलेगा उसको आंसर मिलेगा अब यहाँ जजेस को भी हेल्प होती है जजेस लॉयर्स को हाउ कि उनको लॉ का ट्रू मीनिंग समझेगा विद द हेल्प ऑफ ज्यूर स्टूडेंट्स उनका इंटरप्रिटेशन पावर बढ़ जाएगा इट शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ सिर्फ पॉजिटिव लॉ तक ही नहीं है वो बट बट ऑल्सो मस्ट इंक्लूड नॉर्मेटिव स्टडी मतलब द स्टडी दैट शुड डील विद इम्प्रूवमेंट ऑफ लॉ इन द कॉन्टेक्ट ऑफ प्रिवेलिंग सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल फिलोसॉफी प्रोफेसर दिया सेट दैट स्टडी ऑफ जूर स्टूडेंट्स इज अपॉर्चुनिटी फॉर लॉ इसको हम अपॉर्चुनिटी फॉर लॉयर देखेंगे क्यों टू ब्रिंग थियरी एंड लाइफ इन टू फोकस फॉर इट्स ह्यूमन थॉट इन रिलेशन टू सोशल एग्जिस्टेंस कि इसके वजह से जो थेरी है उसको थॉट्स में लाना मतलब उसको थॉट प्रोसेसिंग में लेके आना एंड अकॉर्डिंगली अलग अलग अल्टरनेटिव चैनल्स देख के सल्यूशन निकालना कि जो आज हमारा सोशल प्रॉब्लम है सोशल एग्जिस्टेंस है या जो पॉलिटिकल कंडीशनस है उसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकलता है लॉ को कैसे पढ़ना है ये हमको ज्यूरोस्प्रूडेंट्स की स्टडी हेल्प करेगी स्कोप ऑफ ज्यूर स्प्रूडेंट्स देर इज नो यूनिमिटी ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ ज्यूर स्प्रूडेंस हर ऑथर को हर अथॉरिटी को लगता है कि जूर का डिफरेंट मीनिंग है वेरिंग प्रेमाइसिस है तो उसका सो स्कोप ऐसे पर्टिकुलरली हम डिफाइन नहीं कर सकते बट ज्यूर में डेफिनेशनस होते हैं क्लासिफिकेशनस होते हैं नेचर पर्पज राइट्स एंड ड्यूटीज और जो भी लॉ की स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है उसके आंसर्स हमको जूरस में मिलते हैं इट इंक्लूड्स कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्डर ह्यूमन कंडक्ट इन स्टेट एंड सोसाइटी तो जो ह्यूमन ऑर्डर ह्यूमन कंडक्ट जो रूल्स बने हैं जो प्रिंसिपल्स है उसके कंसेप्ट के स्टडी को हम ज्यूरस में इंक्लूड करते हैं अ मीनिंग ऑफ लॉ लॉ तो एक ऐसा टर्म है जिसके हर जगह पे अलग अलग मीनिंग है अलग अलग सोसाइटी में उसके अलग मीनिंग है अगर हिंदू रिलीजन में देखा तो लॉ पहले से आ रहा है धर्म धर्म मतलब क्या कि जो रूल्स है रॉ है डिसिप्लिन है उसको तुम फॉलो करके चलो फिर मोहम्मदीन रिलीजन में उसको हुकुम बोला है रोमन में जिस बोला है फ्रेंच में ड्रॉइट अरेबिक अलकनून इन पर्शियन टर्किश में उसको कुनून बोला है इन लैटिन इट्स लीगम इन फिलिपिनो इट्स बटास इन अल्बानिया लैंग्वेज इट्स लिग इन शिच इट्स जैकून

your spouse, so that is adultery. This is a offense in India, but this is not an offense in America. मतलब place to place law change होता है अगर religion में देखा तो for example Muslim की फोर वाइफ हो सकती है मतलब ही कैन मैरी फोर wives एट अ टाइम बट हिंदू में बोला है कि अगर ऑलरेडी ही इज़ मैरिड तो फिर वो सेकेंड शादी नहीं कर सकता है बेगामी नहीं हो सकता है ही विल ऑलवेज भी मोनोगामी मतलब सिर्फ एक ही शादी कर सकता है अगर उसने ऐसे किया तो ही इज़ पनिशेबल मतलब रॉ जो हमारा लॉ है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है रिलीजन टू रिलीजन चेंज होता है अब डेफिनेशन ऑफ लॉ कुछ ऑथर्स ने डेफिनेशन दिए हैं सालमिन बोलते हैं कि लॉ कैन बी डिफाइंड एज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकोगनाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कि जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में जो बॉडी है हमारी कंट्रोलिंग बॉडी है उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स रिकोगनाइज किए और वो उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं दैट इज लॉ जॉन किपमैन ग्रे बोलते हैं कि लॉ ऑफ द स्टेट स्टेट का जो लॉ है या तो किसी ऑर्गेनाइज बॉडी का विच रूल्स जो जिस बॉडी का कंट्रोल है जो रूल करती है या जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उन्होंने जो रूल्स बनाए दैट इज़ द जुडिशल ऑर्गन ऑफ द बॉडी तो उनके जो रूल्स हैं लीगल राइट्स ड्यूटीज उन्होंने किए फॉर्म किए हैं दैट इज़ लॉ ऑस्टिन ने कहा है कि लॉ इज़ एग्रीगेट ऑफ रूल्स जो रूल्स है उसका एग्रीगेशन मतलब टोटल रूल्स सेट बाय मैन पॉलिटिकली सुपीरियर जो पॉलिटिकली सुपीरियर थे सोवरिन टू मैन एज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट थे अगर उन्होंने एग्रीगेट ऑफ रूल्स रखे तो दैट इज लॉ लॉ इज कमांड विच ऑब्लजाइज अ पर्सन और टू कोर्स ऑफ कंडक्ट होलैंड बोलते हैं कि लॉ इज अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन की जो एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन है उसके जो रूल्स बने हैं बाय पॉलिटिकल सोवरिन उसको हम लॉ बोलेंगे एनश्योर्स और डिफाइन लॉ विथ प्रेफरेंस टू सोवरिन डिवर्ड ऑफ मॉल इथिकल और आइडियल एलिमेंट्स विच आर फॉरिन टू लॉ एंड जुरिस्प्रूडेंस कि जो लॉ बनाए हैं हमने किसी के भी एक्शन के लिए इंक्लूडिंग द मॉरल इथिक्स आइडियल एलिमेंट्स उस बेसिस पे जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो दे फंक्शन और दे विल ओबे अकॉर्डिंग टू द रूल्स तो हम उसको लॉ बोलेंगे जॉन इस्किन बोलते हैं कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरिन सोवरिन का कमांड है वो फॉलो करने हैं ओबे करने हैं एंड देर इज हैं अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज दरारकी ऑफ़ द नॉम्स की जो नॉम्स है उसका हेरारकी है एंड ये नॉम्स किसी सुपीरियर अथॉरिटी ने फॉर्म किए एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू ओबे इट मतलब जो रूल्स है हमको उसको ओबे करना है एंड वेन यू आर ओबेइंग रूल्स तो उस रूल्स को हम

एंड वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको ओबे करें दैट इज़ इम्परेटिव लॉ कि किसी सुपीरियर पावर ने तुम्हारे ऊपर कुछ एक्शंस इम्पोज किए अब देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्परेटिव लॉ एक तो डिवाइन एक ह्यूमन डिवाइन मतलब यहाँ सुपीरियर पावर गॉड है कि गॉड ने कुछ लॉ इम्पोज़ किए एंड हम वो भगवान के डर से या तो एज अ इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग कि अगर हम फॉलो करेंगे तो भगवान हमको ब्लेसिंग्स देंगे इस तरीके से हम उसको फॉलो करते हैं तो दैट इज़ डिवाइन लॉ अब ह्यूमन लॉ क्या है ह्यूमन लॉ जो इंसानों ने बनाए हैं एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो तो पहला है सिविल लॉ जो हमारा स्टेट एनफोर्स करता है फिर है मॉरल लॉ जो सोसाइटी के मेंबर्स जो सुपीरियर मेंबर्स होते हैं एक्सपीरियंस मेंबर्स होते हैं हम जिनका सुन के लॉ फॉलो करते हैं दैट इज़ मॉरल लॉ फिर है ऑटोनॉमिक लॉ जो ऑटोनॉमस बॉडीज होती है यूनिवर्सिटीज होती है उन्होंने कुछ लॉ अगर इन्फोर्स किया तो दैट इज ऑटोनॉमिक लॉ और इंटरनेशनल लॉ ये तो बिटवीन स्टेट्स ट्रिटीज साइन करके होता है तो दैट इज इंटरनेशनल लॉ उसके बाद है फिजिकल और साइंटिफिक लॉ अब फिजिकल लॉ क्या है एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर जनरल प्रिंसिपल्स एक्सप्रेसिंग द रेगुलरिटी हारमनी ऑब्जर्वेबल इन द एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन ऑफ़ द यूनिवर्स दे आर नॉट द क्रिएशन ऑफ मैन एंड cannot बी changed बाय देम मतलब ये इंसानों का क्रिएशन नहीं है वो बदल नहीं सकते ये पहले से ही साइंटिफिकली चलता आ रहा है कुछ फिजिकल रूल्स है ह्यूमन लॉज है जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं बट ये नेचर के साथ चलते आ रहे हैं इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते दे एक्सप्रेस नॉट वॉट ह्यूमन आउट टू डू बट वॉट दे डू मतलब क्या करना चाहिए ये रूल्स नहीं है वो जो ह्यूमन करते आ रहे हैं जो नेचुरल लॉज है उसको टाइम टू टाइम जो अपने आप नेचर को देख के बदलते आ रहे दैट इज फिजिकल या साइंटिफिक लॉ फिर है प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स फॉर अटेनमेंट ऑफ सर्टन एंड्स एग्जाम्पल लॉज ऑफ़ हेल्थ लॉज ऑफ आर्किटेक्चर दिस रूल्स गाइड अस वॉट वी आउट टू डू इन ऑर्डर टू अटेन सर्टन कि हमने क्या करना चाहिए टू अटेन सर्टन एंड्स फिर है नेचुरल और मॉरल लॉ अब इसमें क्या बोला है मॉरल लॉ डिवाइन लॉ गॉड लॉ यूनिवर्सल और इंटरनल लॉ एंड लॉ ऑफ रीज़न बैचुरल लॉ इज़ मैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नैचुर राइट एंड रॉन्ग क्या बोला है नेचुरल लॉ हैव बिन कॉल्ड यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि नेचुरल लॉ जो ऑलरेडी बना है मॉरल है डिवाइन है या गॉड ने बनाया है या कुछ अनरिटर्न चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हैं अब डिवाइन लॉ मीन्स क्या जो गॉड ने इंपोज किए इंसानों पर लॉ ऑफ रीज़न बीन अस्टैब्लिश्ड बाई दैट रीज़न बाई विच वर्ल्ड इज गवर्न मतलब जिस लॉ से दुनिया को गॉड गवर्न कर रहा है दैट इज़ डिवाइन लॉ अब अनरिटन लॉ क्या है यहाँ कहीं लिखा नहीं है बट ये लोगों के नेचर में है उनके हार्ट में है कि हम इसको फॉलो करेंगे दैट इज़ अनरिटन लॉ फिर यूनिवर्सल या कॉमन लॉ जो थ्रू यूनिवर्स मतलब कॉमनली हम फॉलो करते हैं इटर्नल लॉ बीन अनक्रिएटेड एंड इनवेरिएबल फिर मॉरल लॉ जो प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी पर बेस्ड है मतलब वॉट इज़ राइट डू ऑलवेज वॉट इज़ राइट डोंट डू व्हाट इज़ रॉन्ग इज मॉरल लॉ फिर एक कन्वेंशनल लॉ इट इज द बॉडी ऑफ रूल्स किसने अग्री किए एंड कौन फॉलो करता है, मतलब ने कुछ है मतलब या किसी भी गवर्निंग पार्टी ने कुछ रूल्स बनाए जो हर कोई म्यूचुअली अग्री करता है और फॉलो करता है इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पेशल लॉ एंड लॉ फॉर दार्टीज विच कैन बी मेड वैलिड और एनफोर्स्ड थ्रू एन अग्रीमेंट अब इसका एक गुड एग्जाम्पल क्या है इंटरनेशनल लॉ यहा दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स या सारे स्टेट्स मिलकर अग्री करते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे फिर लॉ ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन या कोई भी गेमिंग लॉ अब इसको हम दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पार्टीज ने ख़ुद से इन्फोर्स किए एंड नॉट रिकोगनाइज बाई द स्टेट तो वो रूल ऑफ गेम्स हॉकी या क्रिकेट एसोसिएशन अब ये लॉ स्टेट ने रिकोगनाइज किए हैं एंड एनफोर्स किए तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उस पर लॉ लग जाता है कोई भी दो पार्टी तो दिस इज एनफोर्स बाय स्टेट तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और दूसरे है कि पार्टीज खुद से रूल्स बना लेते हैं नॉट रिकोगनाइज बाय द स्टेट तो वो दूसरे रूल्स ऑफ हॉकी क्रिकेट है वो है बट यहाँ हमने क्या देखा किसी ना किसी बॉडी ने किसी कंसर्न पार्टी ने लॉ बनाया है एज पर देर नीड रिक्वायरमेंट फिर एक कस्टमरी लॉ कस्टमरी लॉ कहाँ से आता है रूल ऑफ कस्टम से जो इतने टाइम से हम फॉलो कर रहे हैं बिलीफ ऑफ बाइंडिंग नेचर क्या बोला एनी रूल ऑफ एक्शन विच इज़ एक्चुअली ऑब्जर्व बाय मैन जो हम एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं जब कोई कस्टम एस्टैब्लिश होता है तो इट इज़ एनफोर्स्ड बाय द अथॉरिटी कि हम इसको फॉलो करेंगे कस्टम इज नॉट लॉ बाय सेल्फ बट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ ओनली कस्टम एक्वायर द फोर्स ऑफ लॉ विच आर रिकोगोगनाइज बाय द कोर्ट कस्टम लॉ नहीं है कस्टम तो हम एक प्रैक्टिस है जो फॉलो करते आ रहे बट उसके कुछ प्रिंसिपल्स अगर लॉ ने अडॉप्ट कर लिए तो फिर हम उसको कोर्ट में रिकोगनाइज करते हैं एंड दैट इज कस्टमरी लॉ अब इंटरनेशनल लॉ क्या है कि कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स दो स्टेट या सिविलाइज स्टेट्स या सारे स्टेट्स ने अग्री कर लिया और अब वो उन उनपे बाइंडिंग है देन उन्होंने क्यों अग्री किया टू बिल्ड म्यूचुअल रिलेशन तो अब दे आर बाइंडिंग अपॉन इट कैन बी

कि जो हमारे इंटरनेशनल लॉज है वो दो टाइप्स के या तो एक्सप्रेस्ड है या तो एम्प्लाइड है एक्सप्रेस मतलब क्या कि थ्रू ट्रीटीज कन्वेंशन दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स ने एक ट्रीटी में एंटर करके एक्सप्रेस किया है कि हम ये रूल्स फॉलो करेंगे दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एंड वाट इज़ एम्प्लाइड एम्प्लाइड मतलब ये कहीं एक्सप्रेस नहीं किया है बट थ्रू कस्टम या थ्रू प्रैक्टिस हम इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयड क्या है कि तुम दूसरी कंट्रीज़ को परेशान मत करो दिस इज एम्प्लाइड कि एक कंट्री दूसरी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे दूसरे कंट्री को हार्म पहुँचे अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या बोला है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मतलब ये पूरे स्टेट्स पे प्रिवेल करता है मतलब इट इज़ यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड और प्राइवेट क्या ट्रीटीज एंटर बिटवीन टू मोर स्टेट्स तो दैट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ अब सिविल लॉ सिविल लॉ क्या है लॉ ऑफ लैंड हमारे लैंड का जो लॉ है जो रूल्स हमने इस लैंड के लिए डेवलप किए जहाँ लॉयर्स का लॉ है लॉ ऑफ द कोर्ट है इट इज़ द लॉ ऑफ पॉजिटिव लॉ

फिर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी ऐसा देखा जाए तो कोई लॉ और मोरालिटी में कुछ फ़र्क नहीं है ग्रीक राइटर्स बोलते हैं कि गुड पर्सन इज़ द वन हु विल डू व्हाट इज़ लॉफुल अब गुड पर्सन ये वर्ड कहाँ से है मोरालिटी से और गुड पर्सन मतलब मॉरली राइट right कौन है जो लॉफुल काम करता है मतलब दे इज अ रिलेशनशिप अब क्या बोला है लॉ गिवर्स क्या बोलते हैं पहले तो देखो वॉट इज राइट एंड रॉन्ग वट शुड बी लीगली रफली करस्पॉन्डेंट टू वॉट इज राइट और जस्ट दैट वी कॉल्ड मोरल मतलब लीगली राइट right या रॉन्ग होना एंड मॉरली राइट या रॉन्ग होना इज समेयर सेम कि अगर कोई चीज़ मॉरली राइट right है तो लीगली राइट right है अगर कोई मॉरली रॉन्ग है तो शायद लीगली भी रॉन्ग है और मैं नॉट भी बट अब या अलग अलग केसेस है अब क्या बोले कुछ चीज़ें मॉरली रॉन्ग है दे आर पनिशेबल बाय लॉ जैसे कि रेप हो गया मर्डर हो गया ये मॉरली रॉन्ग है दिस शुड नॉट बी डन और ये लॉ में भी पनिशेबल है बट कुछ चीजें लीगली रॉन्ग है बट मॉरली रॉन्ग नहीं है जैसे कि तुमने कहीं और पार्क कर दी तुम्हारी गाड़ी तो लीगली यू हैव डन अ रॉन्ग थिंग तुमने एक मिस्टेक कर ली कि तुमने कहीं दूसरी जगह पार्क कर दी जहाँ नहीं करना चाहिए था तो नो पार्किंग में पार्क किया बट मॉरली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सो so, कहीं कहीं चीजें अलग भी हो जाती है डिफ्रेंस बिट्वीन लॉ एंड मोरलिटी इज दैट लॉ इज कोर्सिव लॉ कोर्सिव क्यों है पनिशमेंट आता है पेनाल्टी लग जाता है इम्प्रिजनमेंट हो जाता है बट मोरालिटी में ऐसा कुछ नहीं है मोरालिटी सीक्स टू इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर बाय वे ऑफ आर डिज़ायर वेर एज लॉ इज बाइंडिंग इन नेचर मोरालिटी क्या बोल रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन आवर बिहेवियर वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बाय वे ऑफ डिज़ायर बट लॉ इज बाइंडिंग इन नेचर एक बार लॉ ने कुछ बोल दिया तो दैट इज बाइंडिंग लॉ इज़ नॉट लॉ अनलेस इट इज़ नॉट कन्फॉर्म टू मोरलिटी ये क्यों बोला है क्योंकि मोरलिटी से हमको समझता है क्या सही है या क्या, क्या गलत है हमारी सोसाइटी की क्या नीड्स है उसके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत और उस बेसिस पर हम लॉ को डिफ़ाइन करते हैं तो लॉ लॉ नहीं बनता है जब तक हमको मॉरली चीज़ें राइट या रॉन्ग समझती नहीं है राइट या रॉन्ग समझने के बाद ही हम रूल्स डिफाइन करते हैं एंड देन दैट लीड्स टू द लॉ फिर एज़ फार एज द लीगल रूल्स आर कंसर्न इट इज़ नॉट द लीगल सेंक्शन अलोन देट एन्श्योर्स देर ओबीडियंस बट मॉरल एज ऑल्सो हेल्प इन इट थर्स मॉरल परफेक्ट द लॉ मतलब कैसे मॉरलिटी लॉ को परफेक्ट करती है कि उससे हमको समझेगा वाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग तो लीगली रूल्स तो सैंक्शन हो गए बट उसको फॉलो करना उसमें मॉरलिटी हमारी हेल्प करती है कि इट इज़ राइट कि तुम कैसे राइट right कर रहे हो बाय फॉलोइंग द लॉ तुम लॉफुली चीज़ें करके तुम मॉरली राइट right हो तो मोरलिटी हेल्प करती है सो so, जब लीगल रूल्स आर कंसर्न इट इज नॉट द लीगल सैक्शन अलोन बट इंसान कितना उसको ओबे करेगा ये मोरालिटी पे बेस करता है तो मोरालिटी लॉ को परफेक्ट करने में हेल्प करती है सो लेट्स अगेन वंस गो थ्रू द सिनॉपसिस अगेन ये हमारा सब कवर हुआ है क्या तो सबसे पहले हमने देखा जूरिस प्रूडेंस वॉट इज जूरिस नॉलेज ऑफ लॉ साइंस ऑफ लॉ स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉ ये सब देखा हमने मीनिंग देखा फिर अलग अलग ऑथर के डेफिनेशन देखे ऑस्टिन का देखा होलैंड का देखा ग्रे का देखा ट्राई टू रिमेम्बर टू और थ्री डेफिनेशन ऑफ द ऑथर तो तुम एग्जाम में प्रॉपरली लिख पाओगी ईजी वाले तो तुम याद रख सकते हो फिर नेचर एंड यूटिलिटी जो छोटे वो याद रख लेना फिर यूटिलिटी इंपॉर्टेंस किस के लिए देखा स्टूडेंट्स के लिए देखा लॉयर्स के लिए देखा जज के लिए देखा नॉर्मल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो देखा लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करता है वो देखा एक्सेट्रा फिर हमने देखा लॉ लॉ क्या है लॉ के डिफरेंट मीनिंग है अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लेसेस पे फिर लॉ के क्लासीफिकेशन्स देखें कि किस तरीके से अलग अलग लॉ के क्लासिफिकेशन होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें फिर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी कि उसमें क्या रिलेशनशिप है एक दो डिफरेंसेस भी देखें और कैसे वो एक दूसरे को लिंक करते हैं कि कैसे मॉरली चीज़ अगर राइट right है तो हम उसको लॉफुल मानेंगे और लॉ बनाने के लिए पहले हमको मॉरली समझना पड़ता है कि चीज़ें राइट right है या रॉन्ग है उस बेसिस पर हम जो रूल्स डिफ़ाइन करते हैं हमारी जो गवर्नमेंट या सॉवरिन या स्टेट जो रूल्स डिफाइन करता है जो कंडक्ट डिफ़ाइन करता है दैट इज़ लॉ तो मोरालिटी के बेसिस पे ही लॉ बनता है इस तरीके से हमने रिलेशनशिप देखी सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू